अरहत की देवियां। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सरहद की दो देवियों की कहानी, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर माता के उन दो मंदिरों की कहानी जहां पाकिस्तान ने सैकड़ों बम बरसाए लेकिन मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। मान्यता कुछ ऐसी है कि मां ने भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय जवानों की मदद भी की थी। सुनकर यकीन करना मुश्किल है लेकिन मंदिर में सजे ये वही बम है जो 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना एक के बाद एक दागती जा रही थी। 1965 के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फौजों ने इस मंदिर पर जो बम बरसाए थे वो बिल्कुल भी नहीं फटे। ऐसे ही कुछ जिंदा बम आज भी तनोट माता मंदिर परिसर में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए इन पर पेंट जरूर किया गया है लेकिन ये तमाम वो बम है जो पाकिस्तानी फौजों ने मंदिर के परिसर में बरसाए थे। आज हम हजरत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोजे मुबारक पे हाजिर हैं और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फौजियों ने जो एयरफोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे, तो ये दरबार की तरफ से कोई बुजुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने देता था। तो ये वो अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो इनकी शान है, इनकी बहुत बुलंद बारगाह है।